की रघुवर सरकार में कुपोषण बच्चों को दूर करने के लिए पोषण सखी महिलाएं की जो है भर्ती की गई थी। लगभग 6 जिलों में 10,000 के लगभग जो है पोषण सखी की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान की जो सरकार है हेमंत सरकार, इस सरकार में इन सभी को जो है निकाल दिया गया। इस वक्त ये तस्वीरें राजभवन की तस्वीर है जहाँ की सभी पोषण सखी यहाँ पर अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुँचे हैं और इनका एक ही मांग है कि हमारा नौकरी से आखिर इतने सालों बाद क्यों निकाल दिया गया। इतने साल नौकरी होने के बाद हमारी प्रोत्साहन राशि मानदेय बढ़ानी चाहिए थी, हमें और भी जो है प्रोत्साहन देनी चाहिए थी सरकार की ओर से, लेकिन अब जो है इतने सालों के नौकरी के बाद हमें निकाल दिया गया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राजभवन की, जहाँ की तमाम 10,000 के लगभग की संख्या में जो पोषण सखी महिलाओं की नियुक्ति हुई थी पूर्व की सरकार में, वह जो है अब आंदोलन करने की बात कह रही है और नियुक्ति से निकाले जाने पर जो है आगे और भी बड़ा आंदोलन करने की बात कह रही है। क्या कुछ कहना है सभी जिलों के पोषण सखी का और इनके प्रदेश अध्यक्ष का, यह देखिए। जी, मेरा नाम सोनी पासवान हुआ, मैं पोषण सखी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा संघ का नाम है झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ। सर, हम लोग यहाँ पे एक दिवस से धरना देने आए हैं, जो कि हम लोग 23 फरवरी को ही हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग राज विधानसभा के समक्ष दिए थे और उसमें भूख हड़ताल भी हम लोग को था। उतना हम लोग आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार, हम लोग उनसे विनती कर रहे थे उसी वक्त कि सर हम लोग को हटाया ना जाए, हम लोग को रखा जाए, लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, हम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है और हमारे राज्य सरकार जो है हमारे पीठ पीछे छुरा भूकने की कोशिश किए क्या कर दिए हैं और हम लोग को डायरेक्ट पीठ पीछे, यानी कि हम लोग आंदोलन ख़त्म किए। उसके बाद हम लोग को आपको 1 तारीख को हम लोग को निरस्त लेटर निकाल दिए, जो कि बहुत दुखनीय है कि और कंटिन्यू हम लोग लगातार पूरा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ काम किए हैं। लगातार 6 साल सेवा करने के बाद हम लोग का न्यूनतम मजदूरी मात्र मंथली 3,000 रुपया था, उसी राशि से हम लोग काम करते आ रहे हैं और हम लोग अपनी सेवा अस्थायी करने के लिए 23 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक आंदोलन में थे। विधानसभा के जिसमें सत्र चल रहा था, लेकिन सरकार हम लोग के पास, वहाँ तक मंत्री हम लोग के बीच में पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिए 24 तारीख को हम लोग का हड़ताल समाप्त करवाएं कि आप लोग घर जाइए, आप लोग के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, आपकी सेवा अस्थाई होगी। लेकिन हम लोग वहाँ से जैसे ही घर निकले और उसी डेट से हम लोग का बर्खास्ती लेटर भी दौड़ने लगा। तो हम सरकार से आज अनुरोध करने आए कि जो आप लोग ने हम लोग को आश्वासन दिए हैं, वो आश्वासन हम लोग को पूरा कीजिए, हम लोग को नौकरी पुनः बहाल कीजिए, ताकि हम लोग जो 10,388 पोषण सखी है उसके भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि हम लोग लगातार कार्य किए हैं उन लोग के साथ। 10,388 पोषण सखी बहनों को तो देखिए, जो अपनी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ किए, उसमें 10% आरक्षण था, जिसमें हमारी बहनें विधवा एवं विकलांग 10% बहना। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे बहाली किया ही क्यों? जब बहाली किया, 6 साल काम लिया, 6 साल काम लेने के बाद हम लोग को अचानक से निरस्त लेटर निकाल देता है, कहाँ का नियम है? काम सबसे पहले तो रघुवर दास ने हम लोग को कुपोषण दूर करने के लिए लिया था। बच्चे को चिन्हित करते थे, वजन करते थे और वजन करने के बाद चिन्हित करते थे कि ये कितने वजन है, वजन के अनुसार रघुवर सरकार में ही नौकरी मिला था। जी, हम लोग को रघुवर दास काम क्या का, काम का कुपोषण हटाने के लिए हम लोग को बहाल किया गया था। 23 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक विधानसभा सत्र के दौरान 1 महीना का इन लोग का धरना प्रदर्शन चला, अपनी सेवा को स्थायी लेकर के। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति हमारा यही है कि चूंकि यह सरकार बगैर पूर्व सूचना के, और चूंकि हम लोगों का जो नियुक्ति पत्र मिला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि पोषण सखियों की सेवा 60 साल तक के लिए है, तो जब हमारा नियुक्ति पत्र में 60 साल लिखा हुआ है और हमने लगातार 2015 से लेकर के 2022 तक सेवा दी है और इतनी दिनों तक सेवा देने के बाद सरकार ने बिना पूर्व सूचना के हम लोगों को हटा दिया है, तो आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से निवेदन करने आए हैं कि पोषण सखी को जो आपने बर्खास्त किया है उसकी सेवा को अविलंब वापस लें, अन्यथा यदि 15 महीने दिन के अंदर सेवा वापस नहीं लेती है तो बाध्य होकर के हम लोग फिर एक रणनीति बनाएंगे और अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने चलेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।